सब बुलंदशहर वाली बहन के लड़के की बस आने वाली है। मैं तू गया नहीं अभी तक। डैड चला जाऊंगा ना, पहले मैं अपना फेस पैक सुखा लूं। हाँ भाई खींच के ले ले, चादरा ले ले, हल्की हो या भारी, 10 रुपए सवारी। अरे कैसे आईफेल टावर हो रहा है? चलो भैया चादरा को ले लो। अब 50 रुपए लगेंगे, आके बैठिए। 50 रुपए? ओ भैया बंदूक कहाँ है आपकी? बंदूक? बंदूक किस लिए? कम से कम लूटना है तो यार बंदूक दिखा के तो लूटो। 50 रुपया में पता भी है तुम्हें मैं अपने बुलंदशहर में क्या क्या लिया करा? 1 किलो प्याज, 2 किलो तोरी, 3 किलो धनिया, 4 स्प्लेंडर, 2 सेंट्रो, और बाकी पैसा बचे करे ना उनकी प्रतियोगिता दर्पण भी लिया करा अपनी एसएससी की तैयारी को। इतना कुछ? डैड चला जाऊंगा ना। डैड अबे जिंदा हूँ मैं, जब देखो फिरंगी बना फिरता है, किस किस के साथ घूमता रहता है पता नहीं। अरे तेरी तरह निठल्ला ना है अमित, एसएससी का एग्जाम देने आ रहा बच्चा। आप मानोगे नहीं हमारे गांव में। ओ मेरे भैया ये ले चाबी और तू ही चला ले, मेरा दिमाग मत खा, वैसे भी सुबह से कुछ नहीं खाया। मारूंगा कस के, चला जा हंसते हंसते। मामा जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते भांजे, आ गया तू? मामी को भी नमस्ते है। अरे बेटा नमस्ते। मामा मामी के नालायक लोंडे को भी नमस्ते है। अरे भांजे ये कौन है? ये श्रीमान मेरे मित्र गण है जो मात्र 32 मिनट पहले बने। मामा जी तुम इंटरव्यू बहुत ले हो यार, कुछ खिला दो। अरे हाँ आ जा, तेरा अपने घर है, आ जा आ जा। मैंने बोला है मामा का घर छोटा है, दिल बहुत ही बड़ा है। अरे भैया हमारे गांव में जो तालाब है ना, वहां में जो काई जम जावे तो काई उखाड़ के लगा दी क्या मुंह पे? अरे भाई से डिटेन कहवे हैं। ही मैन तो यार सुनी मैंने, यू डिटेन क्या होवे भाई? तू कैसे करेगा एसएससी का एग्जाम, उसमें तुझे पता हो एक पेपर इंग्लिश का भी होवे, थोड़ा बहुत पता हो इंग्लिश के बारे में कुछ सीख लेंगे। लेकिन अरे कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है जो कभी आवे ही ना है, कभी ना कभी तो आई जाएगी। तो इसे भी ले जाना अपने साथ अपने इंग्लिश कोचिंग सेंटर में। ए मम्मी तुम कैसी बात करो, वहाँ मेरे थोड़े बहुत पढ़े लिखे दोस्त आवे। ओ भैया पढ़े लिखे से का मतलब है? मैं कोई अनपढ़ आदमी हूँ भाई, मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर हूँ, ज्योग्राफी में हिस्ट्री में टॉप मारा मैंने, वो भी कतई हिंदी मीडियम से। पता ना यार तुमने अंग्रेजी को लेके क्या हुआ बना रखा है, हिंदी में पढ़ा लिखा बालक कोई छात्र ना होता यार, वो भी तो आईएएस आईपीएस बने। और मैं कोई बंदर हूँ जो तेरे दोस्तों के बीच में जाके उनकी किताब छीन के खा जाऊंगा? ले चल यार। भाई आधा दिल तो सचिन भाई तोड़ गए, आधा दिल अब के धोनी भाई तोड़ गए, अब क्रिकेट देखने में वो मजा ना रहा। भाई तुम भी कुछ मजा दिला दो यार, आधे घंटा सुया बैठे हैं, कब चलेंगे कोचिंग? भाई सुन मेरे दोस्त आने वाले हैं, उनके सामने 2-3 चीज को पता ना लगना चाहिए बिल्कुल भी। एक तो मेरे पापा दूधिया है, दूसरे में पतली सी गली में रहे। मैंने यहाँ अपना रुतबा बना रखा कि मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है और मैं फ्लैट में रहूं। तने इन सुनू तो ना कह रहा कि तू अक्षय कुमार को भांजो यार, गोविंदा को भतीजो यार, तू भी भाई मेरे दोस्त आ गए। यहाँ एक लेवल बना के रखना पड़ेगा, इंग्लिश बोलनी पड़ेगी इंग्लिश, सिर्फ 3-4 शब्द हैं, लिट लोल योलो स्वैग, बस इन्हें बोलता रहिए इनके सामने। तो हाय विक्स। हेलो कैटी। हेलो विमी। हाय ब्रो। हेलो हरी। हाय विक्स। सब सब कहाँ है सब? भाई मुझे बता दे, मैंने गांव में बहुत सांप पकड़े हैं, एनाकोंडा कोबरा अलजेब्रा कहाँ पर है? अरे बैठ जा बियर गिल्स के फूफा। What's that? Shut up, Carrie. I will ask. Wait. Listen. Who are you? Vimmi, ये मेरी बुआ का लड़का है। गांव का चोरा, दिल को नहीं हड्डियों को तोड़ा, साइकिल से लेकर चलाऊं हीरो होंडा, myself, बलराज का लौंडा, अमित। So Amit, what does your father do? क्या वो भी विकास के पापा की तरह इंडस्ट्रियलिस्ट है? कौन सी लिस्ट? No, no, not list. It's industrialist. You know, we are come from big families. और मेरे पापा की टेलीकॉम की कंपनी है। मेरे पापा भी ट्रैवल मारते रहते हैं। So Harry, अभी अंकल कौन सी कंट्री में है? Right now my father भजनपुरा मार्केट में है। Oh, और मेरे डैड का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। So Amit, what does your father do? मेरे पापा जी इतने बड़े आदमी ना है, वो तो एक पुलिस में है, पुलिस में DSP।
अबे जब फेंक ही रहा है तो सीबीआई में बता देता, वैसे भी जो पुलिस को करना चाहिए आजकल वो सीबीआई कर रही है। ओह पुलिस में है, कानून के हाथ। बता ये है तुम्हारी कोचिंग? मामा मोए तो यू लाया, मैं दही लेना है, तुमने भेजा है ना? ईयूएक्स विक्स, ये मिल्कमैन तुम्हें हाथ कैसे लगा रहा है? इसका उदाहरण एक है तुम पर। मैं चुप, मैं बाबू मैं इसका। व्हाट फादर? विकास तुमने हमसे झूठ बोला। सी वी मी, आई टोल्ड यू ये विकास ना मुझे पहले से ही लो मार्केट लगता है। सही बोल रही हो कैटी, हमें इसको अपने ग्रुप में इंक्लूड ही नहीं करना चाहिए था। ब्लडी लो क्लास लूजर। भांजी क्या कह रही है ये? मामा यू नो कह रही है विकास में दो चाटे पिया दो, अमित छोड़ दो, चल चल दो कोचिंग पे। मामा मेरी किताब, चल 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 चल। यार मैं उन लोगों को कैसा फेस करूंगा, उन्हें सब पता लग गया कि मैं अमीर फैमिली से ना हूँ। और विक्स की डिब्बी, उम्र और गरीबी कभी भी ना छिपानी चाहिए, है तो है और वैसे भी ना अमीरी गरीबी देख के दोस्ती ना होती है, ऐसी दोस्ती फेक रह रहे। अरे वो बात तो ठीक है, पर उन तीनों ने मेरी बहुत बेइज्जती करी है, मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। इतनी तकड़ी इंग्लिश बोलूंगा कि बिल गेट्स भी रुकेगा क्या बोला है लड़के ने। अरे यार तू कितना बावड़ा आदमी है, तुमने इंग्लिश को लेकर इतना हवा क्यों बना रखा है यार? मैं तो है कितनी बार बताऊं, इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज नॉट नॉलेज। अरे भाई मैं भी तो लोगों को कब से यही समझा रहा हूं कि हिंदी में पढ़ा हुआ ज्ञान क्या ज्ञान नहीं होता। अरे साइंस ज्योग्राफी हिंदी में पढ़ो तो क्या काम नहीं आती? अरे चाचा तुम ज्ञान कम पेलो, रेस पेलो और आगे बढ़ो। समझा यार, थोड़े से समझदार से लग रहे हो तुम। आप इंग्लिश? ऑफ कोर्स आई नो इंग्लिश, एनीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश। और वैसे भी मेरे इस ऑटो में बहुत से फॉरेनर बैठते हैं, बस उन्हीं से सीखा हूं मैं। और मैंने तो अपनी बेटी को भी सिखा दी है, 10वीं में 3 बार फेल हुई है, लेकिन अंग्रेजी एकदम लल्लन टॉप। देखो इंग्लिश जानने के साथ साथ उसे बोलने का सलीका भी आना चाहिए, ठीक है? दोनों मेरे साथ बोलो, रोंडा फेबल पुट हर पेन ऑन द टेबल। रैंडी ऑर्टन पुट हर पेन ऑन द टेबल। रैंडी ऑर्टन नहीं, सही से बोलो रोंडा। लोंडा, बलराज का लोंडा। अरे लोंडा नहीं बाबा, रोंडा। हीरो होंडा। रोंडा, रोंडा फेबल पुट हर पेन ऑन द टेबल। यस, वेरी गुड, बहुत सही बोला। Can you please tell me where is this place? Oh, you wala. एक काम कर भाई, सीधा जा छाती की सीध में। अरे भाई only English. Oh, only English. Okay. Going to chest straight to Birpal Chacha house. Come gone right, not wrong. Then kuwa come water kuwa. Then perchun soap. Then house come. Now you are. Thanks buddy. क्या इंग्लिश है भाई तुम्हारी? यार यू अभी बीड़ी मांग के गया ना? ए यार अभी ने बीड़ी भी चाहिए। टेक फ्रॉम सतपाल परचून शॉप, इट इज प्लेजर। अरे माल नहीं मॉल, पार्क नहीं होता पार, और तुम्हारा ये बिस्कुट नहीं होता बिस्किट। ले बेटा बिस्कुट खा ले। मामी बिस्कुट नहीं बिस्किट। सर व्हाट इज टुडे टॉपिक? टुडे इज माय डॉटर्स बर्थडे। टुडे इज माय डॉटर्स बर्थडे। अरे आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, सुबह वो सो रही थी, अभी उठ गई होगी, उसे मैं वीडियो कॉल करके आता हूँ, रुको। हैप्पी बर्थडे डियर, पता नहीं क्या है ना। हैप्पी बर्थडे बेटा। ओफो पापा, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू डोंट कॉल मी डियर। विकास, वेयर आर यू गाइस? It's my birthday. तुम लोगों का हमेशा का ये है, परेशान आ गई हूँ तुमसे। Party is about to begin, guys. Come fast. क्या हाल है विमलेश के? Excuse me. Who विमलेश? You विमलेश, daughter of Mr. ज्ञानचंद.
I am Vimi. हाँ विमलेश विमी है, जैसे कुसुम लता कैटी है, हरीश हैरी है, और मैं अमित बड़ाना थोड़ी ना हूँ। अमिताभ बच्चन जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। पत्थर तो बहुत छोटी चीज है, तुम तो पूरे का पूरा पहाड़ फेंक देते हो। अच्छे कपड़े पहनने से, दो चार शब्द अंग्रेजी के मारने से, अमीरी गरीबी से इंसान अच्छा थोड़ी ना हो जाता है, सच्चा होने से इंसान अच्छा हो जाता है। मेरे पिताजी किसान हैं, मैं खुद एक मध्यवर्गीय परिवार से आता हूँ, लेकिन मैं शर्माता नहीं हूँ ये बताने में। फिर तुम्हें किस बात की शर्म ये बताने में कि तुम एक ऑटो वाले की लड़की हो? विमलेश, हैप्पी बर्थडे बेटा। ओफो पापा, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू डोंट कॉल मी विमलेश, आई एम विमी। बेटा, आई जस्ट कॉल यू टू विश यू हैप्पी बर्थडे। इसका मतलब विम्मी है जो, वो विमलेश 420 है। मेरे दो नए दोस्त बने हैं, अब मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। कम ऑन पापा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके दोस्तों से मिलूं। ये तेरी हाईफाई दोस्त 10वीं में 3 बार फेल है, और ये ज्ञानचंद जी की लड़की है। कब तक इस नकली दुनिया में रहोगे? कब तक इन लोगों के चक्कर में नकली बनते रहोगे? अरे निकलो इस दुनिया से। माना तुम 10वीं में 3 बार फेल हुई हो, लेकिन टैलेंटेड तो तुम हो, क्योंकि तुमने भाषा सीख ली। उससे भी ज्यादा टैलेंटेड और समझदार तुम्हारे पिताजी हैं, तो ऐसे पिताजी की कदर करो ना। लेकिन ये जो भाषा से जज करना है ना, अरे कोई सी भी भाषा हो कोई भी सीख लेता है, प्रैक्टिस का खेल है। मैंने सीख ली 2 हफ्ते में। आपकी भाषा में बोलूँ तो आई एम नॉट फेक, और अगर मैं अपनी बात करूँ तो अमीरी गरीबी देख के कभी नहीं लाई आ रही। कपड़ों से जज करना है बड़ी गंदी बीमारी। मैं हूँ यूनिवर्सिटी का टॉपर, आप और आपके दोस्तों की तरह नहीं हूँ लोफर। अमित प्लीज, किसी को मत बताना प्लीज प्लीज। विमी, ये दूध वाले के फ्रेंड को हमारी पार्टी में किसने बुलाया? मैं बताता हूँ ना, हुआ क्या कुसुम लता, दूध चाहिए था पार्टी के लिए, तो विमी का हैप्पी बर्थडे है, समझ गया ना हरीश, इसलिए दूध लाया हूँ। अब क्या ही तुम्हारा जन्मदिन बेकार करूँ, हैप्पी बर्थडे। अंकल जी को नमस्ते बोलना। भाई कुसुम लता, आज देख मैं क्या करता हूँ, उसकी सारी पोल खोल दूंगा और इतनी बेइज्जती मारूंगा ना इंग्लिश में। दिमाग सुचल थोड़ा सा, क्या उसकी पोल खोलेगा यार दुनिया के सामने, ऊपर से नीचे तक खुद फेक है यार। मुझे उसके पापा पे तरस आ गया यार। लेकिन तेरे लिए आज उससे बात जरूर करूंगा, हिंदी में। कोई स्लो मोशन रखो यार, तुम्हें क्या लगा बदला लिया जाएगा? अरे हर बार बदला ना लिया जाता है, कभी कभी बदलाव भी लाया जावे। आज इसका जन्मदिन है, कल मेरा है। हेलो पापा, आप मेरे बर्थडे पे नहीं आओगे? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ चाहिए लोन। पापा क्या करते हैं? पापा दूध ही आए मेरे, कोई दिक्कत आ गई क्या? ठीक है तो आ जाओ।